साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं कि जिन कैंडिडेट ने दो डिग्री एक साथ कर लिए है क्या वो वैलिड है, क्योंकि यूजीसी ने अप्रैल 2022 में एक लेटेस्ट है वो गाइडलाइन जारी कर दी है और उसके अकॉर्डिंग दो डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट किस प्रकार वैलिड है तो उसके बारे में कंप्लीट गाइडलाइन जारी कर दी है। तो हम यहां पर इस दो डिग्री वाले पोर्शन को कंप्लीट दो पार्ट में डिवाइडेड करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इस चीज पर डिस्कशन करने वाले हैं कि जिन कैंडिडेट ने अप्रैल 2022 से पहले यानी अप्रैल 2022 से पहले दो डिग्री या फिर दो डिप्लोमा दो सर्टिफिकेट एक साथ किए हैं तो क्या वो वैलिड है। तो इसके बारे में हम ऑथराइज जो जानकारी है, प्रमाणिक जानकारी है, कुछ आरटीआई लगाई है और कुछ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके आधार पर हम यहां पर आपके कंप्लीट जो डाउट है उसको क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन को हिट करते हुए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले यहां पर हम डिस्कशन करते हैं कि जिन कैंडिडेट्स ने अप्रैल 2022 से पहले दो डिग्री या फिर एक डिग्री एक डिप्लोमा या फिर दो सर्टिफिकेट दो पीजी डिप्लोमा इस प्रकार के कोर्सेज है वो कर रखे हैं तो क्या वो वैलिड है, क्या यूजीसी इनको मान्यता देती है। तो हम सबसे पहले यूजीसी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक साथ दो डिग्री को अलाउड नहीं करता है। यूनिवर्सिटी का कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा। हम यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं कि दो डिग्री एक साथ वैलिड है या फिर नहीं। तो यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यानी 2022 से हम पहले की बात करते तो यहां पर यूजीसी दो डिग्री को एक साथ अलाउड नहीं करता है, चाहे आपने एक डिग्री रेगुलर कर रखी है या फिर सोम पार्टी या फिर नॉन कॉलेजिएट करके। यानी यूजीसी ये कहता है कि यदि आपने दो डिग्री एक साथ कर रखी है तो इसके बारे में हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है, यानी एक साथ दो डिग्री आप नहीं कर सकते हो। लेकिन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाओगे यानी डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल यानी इग्नू वाली जो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यह नोटिफिकेशन अपलोड किया गया है और यूजीसी की वेबसाइट पर भी यह नोटिफिकेशन है वो आपको अपलोडेड मिल जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन में यूजीसी ये कहता है कि आप देख पा रहे हो कि यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यदि आपने दो अलग अलग यूनिवर्सिटी से या फिर एक ही यूनिवर्सिटी से अलग अलग विषयों में नियमित और सोम पार्टी कैंडिडेट के तौर पर आपने यदि क्वालिफिकेशन अर्जित की है तो वह वैलिड है और उसका जो सेक्वेंस है यानी किस प्रकार वो वैलिड है, किस प्रकार का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो इस प्रकार के जो कॉम्बिनेशन आप देख पा रहे हो, एक डिग्री प्लस एक डिप्लोमा, एक डिग्री प्लस एक पीजी डिप्लोमा, दो डिप्लोमा दो पीजी डिप्लोमा, दो सर्टिफिकेट या फिर डिग्री के साथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट कर सकते हो। लेकिन यूजीसी एक साथ दो डिग्री को अलाउड नहीं करता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आज की डेट से पहले की हम जाते हैं तो यूजीसी एक साथ दो डिग्री चाहे आपने नॉन कॉलेजिएट या फिर डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से किया हो यूजीसी इसको अलाउड नहीं करता है। हाँ, कुछ कुछ स्टेट में इसको अलाउड कर रखा होगा लेकिन यूजीसी इसको अलाउड नहीं करता है। अब बात करते हैं डीएलएड यानी बीएसटीसी के साथ ग्रेजुएशन करते हो तो क्या वह वैलिड है। तो बीएसटीसी के साथ अगर आप ग्रेजुएशन करते हो, यदि आप बीएसटीसी के साथ डिस्टेंस एजुकेशन / सोम पार्टी / नॉन कॉलेजिएट के तौर पर आप ग्रेजुएशन अर्जित करते हो तो वो यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कंप्लीट वैलिड है। इसके समान कुछ आरटीआई आदेश है वो आप देख पा रहे हो। इस आरटीआई आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि आप डिप्लोमा के साथ कोई भी डिग्री करते हो नॉन कॉलेजिएट या फिर डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से तो वो कंप्लीटली वैलिड है। ये आरटीआई का नोटिफिकेशन देख पा रहे हो, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि दो अलग अलग विश्वविद्यालय से अलग अलग विषय में नियमित एवं सोम पार्टी कैंडिडेट के तौर पर अगर आपने क्वालिफिकेशन अर्जित की है तो वह कंप्लीटली वैलिड है। लेकिन जो पेयर रहने वाला है वो इग्नू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही वैलिड रहेगा। कहने का अभिप्राय यह है कि दो डिग्री एक साथ वैलिड नहीं है लेकिन एक डिग्री के साथ एक डिप्लोमा एक नियमित और एक नॉन कॉलेजिएट कर सकते हो। इस प्रकार का जो पेयर कॉम्बिनेशन है वो आप अगर आपने कर रखा है आज की डेट तक का तो कंप्लीटली वैलिड है। अब बात करते हैं बीएड के साथ अगर आप क्वालिफिकेशन करते हो तो क्या वैलिड है, क्या आपने 2022 से पहले अगर आपने बीएड के साथ कोई ग्रेजुएशन कर रखी है तो क्या वैलिड है। इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ ऑफिशियल्स जो नोटिफिकेशन है, कुछ आरटीआई वगैरह आदेश है उसके अकॉर्डिंग हम बीएड के साथ अगर आप ग्रेजुएशन करते हो, बीएड एक डिग्री है और डिग्री के साथ अगर आप एक ग्रेजुएशन करते हो वो भी एक डिग्री है, यानी बीएड के साथ अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो बीएड एक स्ट्रॉन्ग डिग्री है और साथ में ग्रेजुएशन करे तो वो भी एक डिग्री है। बीएड के साथ अगर आप नॉन कॉलेजिएट करो या फिर आप नियमित तौर पे करो यानी रेगुलर करो तो वह वैलिड नहीं है क्योंकि यूजीसी इसको मान्यता नहीं देता है।
क्योंकि एक साथ दो डिग्री नहीं कर सकते हो। इसके बारे में यूजीसी अभी तक कोई भी डेटा नहीं बताया। अगर आप आरटीआई लगा करके पूछोगे तो अभी तक जो आप अप्रैल 2022 से पहले के वाले डेटा में आप देखोगे तो एक साथ दो डिग्री के संदर्भ में यूजीसी कोई भी अपना स्पष्टीकरण नहीं देता है, यानी उसके पास इसके संदर्भ में कोई भी डेटा है वो नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर आपने एक साथ दो डिग्री चाहे नियमित की हो या फिर नॉन कॉलेजिएट की हो वो वैलिड नहीं है। बात करते हैं अप्रैल 2022 के बाद। अप्रैल 2022 के बाद यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है, यानी एक गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग देखा जाए एक साथ दो डिग्री, एक साथ दो डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री डिप्लोमा जो भी आप कर रहे हो पीजी डिप्लोमा ये सब वैलिड है। इसका सेक्वेंस जो क्रम है आप जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो गाइडलाइंस की यूजीसी की गाइडलाइंस में क्या दे रखा है इस पर हम सीधा चलते हैं कि आप देख पा रहे हो यूजीसी की जो लेटेस्ट जो गाइडलाइन है दो प्रोग्राम साइमल्टेनियसली आप करना चाहते हो यानी एक साथ करना चाहते हो दो अकेडमिक प्रोग्राम तो उसके संदर्भ में यूजीसी की जो कंप्लीट गाइडलाइन है जैसा कि आप देख पा रहे हो यहां पर अप्रैल 2022 का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। आप अगर इसको पॉज करके पढ़ लेना ध्यान से, इसका जो सार है वो शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स वगैरह दे रखे हैं और नीचे चले जाते हैं और यहाँ पर गाइडलाइन पे आ जाते हैं डायरेक्ट। गाइडलाइन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक कैंडिडेट एक समय में दो प्रोग्राम यानी फिजिकल मोड में यानी आप पर्सनली दो प्रोग्राम है वो अटेंड कर सकते हो यानी रेगुलर मोड पे, लेकिन उनका जो टाइमिंग है वो अलग होनी चाहिए। सेकेंड जो लाइन है वो दे रखी है कि आप दो प्रोग्राम है वो फिजिकल मोड में कर सकते हो एक साथ या फिर आप एक प्रोग्राम डिस्टेंस एजुकेशन से कर सकते हो और एक रेगुलर से कर सकते हो या फिर आप एक डिस्टेंस से कर सकते हो एक ऑनलाइन कर सकते हो या फिर एक रेगुलर कर सकते हो एक ऑनलाइन कर सकते हो। सारे प्रकार के प्रोग्राम है वो वैलिड है, लेकिन ध्यान रहे यदि आप दो प्रोग्राम फिजिकली यानी नियमित रूप से आप करना चाहते हो ऐसे में आपकी टाइमिंग है वो सेम नहीं होनी चाहिए। यदि सेम होती है तो वह डिग्री इनवैलिड हो जाएगी। अब बात करते हैं डिग्री और डिप्लोमा के संदर्भ में, तो एक डिग्री के साथ एक डिप्लोमा वैलिड है, कॉलेजिएट डिग्री के साथ एक रेगुलर डिग्री कर सकते हो और इसके साथ साथ आप एक डिग्री के साथ एक डिप्लोमा ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप करना चाहो कर सकते हो बिल्कुल। यहाँ पर बकायदा दे रखा है, आप इसको कंप्लीट पॉज करके देख पा रहे हो, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और इसके साथ साथ यदि आप पीएचडी कर रहे हो तो पीएचडी के प्रोग्राम के साथ किसी भी प्रकार का अन्य प्रोग्राम चाहे वो नॉन कॉलेजिएट करो या फिर ओडीएल से करो या फिर किसी भी प्रकार से करो वो वैलिड नहीं है, यानी पीएचडी के साथ किसी भी प्रकार का प्रोग्राम आप नहीं कर सकते हो, नॉट एप्लीकेबल रहेगा। की जो दो डिग्री के संदर्भ में एक साथ करने के बारे में जो लेटेस्ट गाइडलाइन है वो अप्रैल 2022 से लागू है, यानी अप्रैल 2022 के बाद यदि आप किसी भी एकेडमिक प्रोग्राम में एडमिशन लेते हो तो आपकी डिग्री के संदर्भ में ये सारे के सारे रूल और रेगुलेशन है वो एप्लीकेबल रहेंगे। यदि आपने इससे पहले डिग्री अर्जित कर लिया है तो वो इसके संदर्भ में एप्लीकेबल नहीं रहेगी, ये नोटिफिकेशन उनके लिए लागू नहीं होगा। जो पुराने रूल है उसी के अकॉर्डिंग वो डिग्री वैलिड रहेगी यदि आप इस प्रकार के प्रोग्राम एक साथ दो करते हो। तो साथियों इस वीडियो में हमने दो डिग्री के संदर्भ में कंप्लीट स्पष्टीकरण कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को हिट करते हुए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।